तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन इसका टाइप कितना होता है। तो पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन की। तो लिखा हुआ है कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। प्राइमरी कार्बन जिसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन जिसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, टर्शियरी कार्बन जिसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और क्वार्टरनरी कार्बन जिसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, उसका समझ क्या है। बहुत ही सिंपल चीज है और इसको आप आसानी से तुरंत समझ जाओगे, एक समझोगे बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहला नंबर हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं प्राइमरी कार्बन। इसको हिंदी में हम लोग प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। जनरली ये 1 डिग्री कार्बन से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जनरली देखोगे कि प्राइमरी कार्बन नहीं बोल के लोग 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, लोग का मतलब यहाँ टीचर से है। तो अब हम सबसे पहले प्राइमरी कार्बन को देखेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो बाबू प्राइमरी कार्बन वह कार्बन होता है जो केवल एक कार्बन से, एक अदर कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब दैट कार्बन व्हिच इज लिंक्ड विथ ओनली वन अदर कार्बन is called 1 degree carbon या और primary carbon। जैसे इसको एक example से देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी भी compound में carbon और hydrogen का compound है, मतलब मैं किसी hydrocarbon की बात कर रहा हूं। जैसे आप ethane लेते हैं तो CH3 इस तरह से इसका structure बनता है। तो ये carbon यदि हम इसको थोड़ा और डिटेल में बना दें कुछ इस तरह से, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा, बाकी यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन, ये भी 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 हाइड्रोजन। अब हम यदि देखें कि ये कार्बन किस टाइप का है या फिर ये कार्बन किस टाइप का है, तो ये बहुत आसान है। ये कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, तो आप ये देखिए कि ये कार्बन कार्बन के साथ कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यह कार्बन, तो यह कार्बन इधर हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन के साथ। यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो यह कार्बन भी 1 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि यह कार्बन भी तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि इसी एग्जाम्पल में हम अब इसको लिखने के बाद आप दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, हम इसी पर काम कर दे रहे हैं। हम मान लीजिए इसको CH2 करके इसको CH3 कर दें इस तरह से, तो इसी का स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो यहाँ पर अब हमको कार्बन दिखने लगेगा, और कार्बन दिखने लगेगा तो यहाँ पर फिर ये 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह से। तो फिर एक ये कार्बन भी आ गया। अब देखिए, अब ये टाइप बदल चुका है, फिर अभी अब आप इसको मिटाइए, इसको हटाइए यहां से। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली? यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि यह कार्बन तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। भाई ये कार्बन तो केवल एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। तो आपको जो यहां देखना है कि दैट कार्बन विच इज लिंक्ड विथ ओनली वन अदर कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। और या फिर यहां पर आप एक लाइन, ये एक वर्ड जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड विथ दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ ओनली वन अदर कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। तो और ये कार्बन, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन केवल इससे जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कहलाए। लेकिन ध्यान रहे, ये कार्बन 1 डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री कार्बन नहीं है, इसलिए क्योंकि यह कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2-4 बॉन्ड में से 2 कार्बन के साथ जुड़ा, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो ये तो 1 डिग्री हो ही नहीं सकता है। तो फिर इसका जो टाइप होगा वो दूसरा होगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो इस तरह से समझ सकते, हम महसूस कर रहे हैं कि आपकी बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सेकेंडरी कार्बन। वो सेकेंडरी कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन से सूचित करते हैं। तो सेम डेफिनेशन भी रहेगा, बस थोड़ा सा बात बदल जाएगा। दैट कार्बन विच इज लिंक्ड विथ, यहां पर ओनली वन अदर कार्बन है, ये हो जाएगा लिंक्ड विथ 2 अदर कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन। वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, उसी को हम लोग 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अभी जो हम इसको काटे हैं एग्जाम्पल में,
इसका मतलब यही ना 2 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि यह कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा होगा, यह कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा होगा, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो इसका सीधा मतलब है कि ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका एक एग्जांपल ये हुआ। इसी तरीके से जब तुम टर्शियरी कार्बन में जाओगे, जैसे ये तो सेकेंडरी कार्बन था, फिर इससे आगे बढ़ना है, आप वीडियो को पॉज करके इसको अपना लिखते रहना। तो अगला जो होगा हमारा टाइप वो है टर्शियरी कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। सेम रहेगा यहां पर, 2 के जगह हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। इट मीन्स दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन। अब यदि हम इसमें एग्जाम्पल बदलें, तो एग्जाम्पल बदल के समझिएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सी सी इस तरह से, इस तरह से हम यहां पर हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे, जो कम हाइड्रोजन है वो बाद में देख लिया जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, उसके बाद बेहतर समझ सकते हैं। हालांकि यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो सभी कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा कर लेगा। आप इस कार्बन को गौर से देखिए, ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 तरफ ये कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और 1 तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि ये 3 डिग्री कार्बन, इसी को हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। और बाकी जो कार्बन है उसका क्लासिफिकेशन पीछे आपको बताया ही गया, यह कार्बन केवल 1 से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, यह कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री कहलाएगा। यह कार्बन तो समझ ही गए, यह 1 डिग्री कार्बन है, यह भी 1 डिग्री कार्बन है, आप खुद से समझ लीजिए कि वो कैसे है। और फिर इसी में जो हमारा चौथा टाइप होता है, चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन, फोर डिग्री कार्बन इसको हम लोग बोलेंगे, तो यह हो जाएगा दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ 4, 3 को हमको बनाना पड़ेगा 4 अदर कार्बन इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। अब इसी एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा बात बदल देते हैं, इस हाइड्रोजन की जगह हम एक CH3 मान लो लगा दें, तो बाबू अब ये 3 डिग्री कार्बन नहीं रहा, क्योंकि यह कार्बन इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, चारों तरफ 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ, इसीलिए इस कार्बन को हम लोग 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। इस तरह से पेंटानरी कार्बन नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5वां बॉन्ड बनाएगा तब वो 5वां कार्बन से जुड़ेगा तो पेंटानरी होगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन केवल और केवल 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। इस तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वहां से आपको बता दिया जाएगा यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहीं से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहली बात आप जानिए कि हाइड्रोजन का जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन इन विच हाइड्रोजन इज लिंक्ड, हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड। तो यह हाइड्रोजन का जो वर्गीकरण होता है, हाइड्रोजन का जो हम प्रकार बांटते हैं कि यह अलग अलग कितने प्रकार का होता है, ये इस आधार पर होता है कि वह हाइड्रोजन एटम किस टाइप के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और इस आधार पर ना ये केवल 3 प्रकार का होता है। There are 3 types of hydrogen. प्राइमरी हाइड्रोजन, इसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। फिर हो जाएगा सेकेंडरी 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर तीसरा टर्शियरी, इसको हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो भाई ये किस आधार पर है, इसको समझने के लिए फिर आप पहला हेडिंग डालिए, और पहले हेडिंग में प्राइमरी हाइड्रोजन से हम लोग सीखेंगे कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है। और हम एक बार बता देते हैं कि ये क्या है। वह सब हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है
जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, इट मीन्स दैट हाइड्रोजन एटम विच इज लिंक्ड विद 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। यदि 2 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो इसका हम एक का डिफिनेशन दे देते हैं, बाकी का डिफिनेशन आप खुद से लिख लेना। दैट कार्बन सॉरी दैट हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विथ वन डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन का डेफिनेशन, समझा हम सबको एक ही बार देंगे। अब हम यहां पर इसका दूसरा लिख देते हैं। प्राइमरी के बाद जब आप इसको सेकेंडरी करोगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। दैट हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विथ 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसी तरीके से जब आप तीसरा टॉपिक लेंगे तो सेकेंडरी की जगह यहां पर हो जाएगा टर्शियरी। दैट हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विथ 3 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन। और इस आधार पर 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होता है। 4 डिग्री का हाइड्रोजन इसलिए नहीं होता है कि कोई भी 4 डिग्री का कार्बन हाइड्रोजन नहीं रखता है। इसी वजह से ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। तो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि जब कार्बन क्वार्टरनरी हो जाए तो वो हाइड्रोजन रखेगा ही नहीं। जैसे उसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे CH3, CH2, CCH3, CH3, CH3। अब देखिए इस एग्जांपल में ना सब टाइप है। आप यदि हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो पहले आप कार्बन का क्लासिफिकेशन कर लीजिए। देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन है, ये 1 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 डिग्री कार्बन है। अब ये यदि 1 डिग्री कार्बन है तो ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यदि ये 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यदि ये 3 डिग्री कार्बन है तो इससे जुड़ा हुआ यह हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, यह 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, यह भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो सब जगह लिखना जरूरी नहीं है। आप गौर से देखिए, जब ये 4 डिग्री का कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ही नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, चारों का चारों यदि कार्बन के साथ जिसके साथ जुड़ गया तो फिर वो हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ेगा। इस तरह से कार्बन 4 प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्टकट में समझने का। और बुक में या फिर टीचर लोग भी सब आपको शॉर्ट फॉर्म में ही चलते हैं कंपाउंड को लेकर, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना पड़ता है उसमें। यदि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और ये ट्रिक सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतजार कीजिए, और आगे जब भी ये वीडियो आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और पता चलने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा वीडियो ऊपर से लेकर नीचे तक, जो भी आपका 11th 12th का जो आईआईटी मेंस लेवल का जो भी सिलेबस है आपका, इवन एडवांस लेवल का भी, आपके कमेंट के आधार पर हम देखेंगे कि आप किस लेवल तक जा रहे हैं, उस आधार पर हम आपको बढ़ा देंगे आगे। तो जिस लेवल का भी आप पढ़ना चाहेंगे वो यहां से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपका काम यह है कि पेशेंस के साथ आराम से घर में बैठ के पढ़िए। कोरोना वायरस का बाहर प्रकोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये महामारी फैल रही है हर जगह बहुत तेजी से। तो कोशिश कीजिए कि घर में ही रहें, घर से बाहर नहीं निकले, और घर में ही रहकर हम लोग पढ़ाई करें।
एक बार फिर से मैं कह दूं कि जो भी लोग इसको शेयर नहीं किए हैं जरूर उसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग नहीं जानते हैं उनको बता दीजिए कि क्लास ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन क्लास तो बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लास शुरू है, तो ताकि आगे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।